हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबको शुभकामनाएं दें। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महेंद्रनाथ पांडे जी, भारत सरकार में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, हमारे रेल मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी, राज्य सरकार में मंत्री महेंद्र जी, वाराणसी की मेयर और यहां उपस्थित विशाल संख्या में पधारी हुई माताएं बहनें, भाई और नौजवानों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बनारस के विकास की अनेक योजनाओं का शिलान्यास करने का, लोकार्पण करने का अवसर मिला। लेकिन मैं सबसे पहले आज बनारस वासियों को लाख लाख धन्यवाद करना चाहता हूं, लाख लाख अभिनंदन करना चाहता हूं। आज बनारस ने कमाल कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति का जिस प्रकार से आज बनारस ने पलक पावड़े बिछा करके स्वागत किया, उनका जो सम्मान किया, फ्रांस के हर घर में लोग जरूर पूछेंगे कि बनारस कहां है जहां फ्रांस के राष्ट्रपति का इतना बड़ा स्वागत सम्मान होता है। अगर हमने गाड़ी शायद तेज न चलाई होती तो अभी भी हम रोड पर कार में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां यात्रा कर रहे होते। इतनी भारी भीड़, गंगा के सभी घाट हो, मार्ग के हर रास्ते की एक एक इंच भूमि हो, आज एक अद्भुत नजारा बनारस लोगों के प्रेम ने, आपके आशीर्वाद ने, और यही हमारा प्यार, फ्रांस और भारत की दोस्ती को प्रेम वर्षा से भिगो देता है। और इसके लिए बनारस का जितना धन्यवाद करो उतना कम है। आज मुझे विंध्यवासिनी के चरणों में जाने का अवसर मिला था। पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा का एक अभियान चलाने में भारत बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। फ्रांस और भारत मिलकर के सौर ऊर्जा पर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
दुनिया के अनेक देश के मेहमान कल दिल्ली में आए थे, सबने मिलकर के सूर्य देवता के सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए आने वाले विकास के राजमार्ग को सूर्य शक्ति के आधार पर चलाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए। और उसी के तहत मिर्जापुर में 75 मेगावाट का सोलार से उत्पादन करने वाली बिजली का एक प्रकल्प का मुझे लोकार्पण करने का अवसर मिला। ये एक प्रकार से हिंदुस्तान के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का अभियान है और मैं तो इसे आगे इतना बढ़ाना चाहता हूं कि रूफटॉप सोलार से घर की छत पर सोलार की पैनल लगी हो और घर में खाना पकाने का चूल्हा अब गैस की भी जरूरत न पड़े, उस सोलार के चूल्हे से खाना पकाना हो जाए, खर्चा भी नहीं, पर्यावरण का नुकसान भी नहीं, क्लीन कुकिंग का एक बड़ा अभियान। भारत में 25 करोड़ परिवार है, बहुत बड़ा मार्केट है और मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं, IITians से आग्रह करता हूं कि आइए इनोवेशन की स्पर्धा करें, ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करें कि हमारी माताएं बहनों को अब घर में चूल्हा जलाने में किसी पर निर्भर न रहना पड़े, सूर्य देवता के आशीर्वाद से आराम से खाना पक जाए और घर में खाना पकाने में जो खर्च होता था फ्यूल में वो भी बंद हो जाए, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार की एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। इतना ही नहीं, आज मुझे काशी और पटना को जोड़ने का एक नई रेल सेवा शुरू करने का अवसर मिला। लंबे अरसे से मांग थी कि काशी और पटना को जोड़ने वाली कोई तेज गति से चलने वाली ट्रेन शुरू हो, आज उसका शुभारंभ हुआ है। सुबह 6 बजे गाड़ी काशी से चलेगी, 10:15 बजे पटना पहुंच जाएगी और शाम को 5 बजे चलेगी, रात को 9:30-9:30 बजे काशी में वापस आ जाएगी। कम से कम समय में काशी और पटना को जोड़ने वाला तेज गति से चलने वाली ट्रेन का आज काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस का मुझे प्रारंभ करने का अवसर मिला। मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं, श्रीमान मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जनसेवा के लिए रेल का उपयोग कैसे हो उस पर अनेक विध काम चल रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज काशी और पटना वासियों की बहुत पुरानी इच्छा का आज अमल हो रहा है। मैं जब भी काशी आता हूं तो एक प्रकार से मेरा दूसरा घर बन जाता है DLW, और काशी की पहचान अगर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल दुनिया में अगर काशी की पहचान हर हर महादेव से जुड़ करके हो जाती है तो काशी की औद्योगिक पहचान DLW के द्वारा होती है। और इसलिए भारत सरकार DLW का जितना ज्यादा विकास हो, जितना ज्यादा विस्तार हो, जितना ज्यादा आधुनिकीकरण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, उसके लिए अनेक नई नई योजनाएं DLW के तहत भी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में यहां के लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा भरने का काम उन योजनाओं से होगा। आज करीब करीब 800 करोड़ रुपया, होली का त्योहार अभी अभी मनाया है, 800 करोड़ के विकास के काम इस होली के रंग में नए रंग भर देते हैं,
होली के रंग में नई खुशबू भर देते हैं, होली के रंग में नया उमंग भर देते हैं। आज मुझे यहां गरीब परिवारों को आवास की चाबी देने का अवसर मिला। मैं उन्हें पूछ रहा था पहले कहां रहते थे, हर कोई बता रहा था कोई कच्चे घर में रहते थे, कोई कहता था झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, कोई कहता था ऐसे ही नहीं बिस्तरा रखते थे, कभी इधर चले कभी कभी उधर चले गए, ऐसे ही जिंदगी थी। मैंने उनको पूछा अब घर मिल गया तो अच्छा लग रहा है, घर जाकर के देख के आए अच्छा लगा, कोई कमी महसूस हुई, सारी बातें मैं पूछ रहा था। और बाद में पूछता था अब बच्चों को पढ़ाओगे क्या, तो एकदम सर्प की आंखें झुक जाती थी, शर्मा जाते थे। मैंने आग्रह किया कि आपकी जिम्मेवारी है, अब रहने के लिए अच्छा घर मिल गया है, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है कि योगी जी ने आकर के एक मिशन मोड में आवास योजना उठाया है। भारत सरकार की योजना तो कोई आज की नहीं है, पुरानी सरकार के समय भी योजना थी। और मैंने यही काशी में कहा था नहीं पाते थे, लेकिन लाभार्थियों की लिस्ट बना भारत सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी, भारत सरकार ने धन आवंटन कर दिया और 6 महीने के भीतर भीतर 5,000 लोगों को दे दिए और आने वाले दिनों में 8,00,000 परिवारों को मकान देने का हमारा सपना है। और मुझे विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में ये अवश्य संभव होगा और समय सीमा में संभव होगा। आज ये भी सही है कि विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व है, कनेक्टिविटी का बहुत महत्व है, रेल हो रोड हो ये बहुत आवश्यक होते हैं। आज शिवपुरी फुलवरिया 4-लेन रोड की भी उसके निर्माण की शुरुआत हो रही है, 2 रेलवे क्रॉसिंग, 2 नए ओवरब्रिज उसी जगह पे बनाए जाएंगे, बनारस में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम हम चला रहे हैं। आज मुझे अवसर मिला कचरा महोत्सव में, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता होगा कि अब कचरा महोत्सव भी होने लगा। जिन लोगों को मोदी पसंद नहीं वो तो इस पर भी आलोचना करेंगे कि मोदी को अब कुछ बचा नहीं है, अब कचरा महोत्सव कर रहा है। हमें स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना है, वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट हो सकता है, कबाड़ को भी जुगाड़ करके उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है और ये जन आंदोलन बन सकता है। और यहां जो आए मैं उनको कहूंगा कि जो कचरा महोत्सव की प्रदर्शनी लगी है आप जरूर उसको देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने जो बोतलें हम फेंक देते हैं, जो अखबार फेंक देते हैं, उसमें से कितनी बढ़िया चीजें बनाई है और घर के अंदर रखें तो लोग उसको देखने के लिए लालायित हो जाएं, एक ही चीज का कितना उपयोग हो सकता है। और मैंने यहां म्यूजिकल पार्टी देखी, बड़ी शानदार म्यूजिकल पार्टी, स्वच्छता के गीत गा रहे हैं लेकिन उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, खाली डिब्बों से उन्होंने बढ़िया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खड़े किया है, खाली डिब्बों को बजा बजा करके बढ़िया संगीत का आस्वाद वो करा सकते हैं। यानी निकम्मे से निकम्मी चीज का भी उत्तम से उत्तम उपयोग कितना कैसा हो सकता है वो आज इस कचरा महोत्सव में मैंने देखा है। वाराणसी को स्वच्छता में प्राथमिकता देनी है, दुनिया भर के टूरिस्टों को वाराणसी आने के लिए मजबूर करना है। वाराणसी के पास सब कुछ है, सदियों से है, लेकिन आज अगर हमें करना है तो एक ही काम करना है, बाकी तो हमारे पूर्वज करके गए हैं। वाराणसी का नाम शानो शौकत हमारे पूर्वजों ने पैदा कर दी है, हमें सिर्फ वाराणसी को स्वच्छ रखना है, दुनिया वाराणसी में आने के लिए प्रेरित हो जाएगी। और उस अभियान को चलाने के लिए आज यहां पर 17 साल बाद जो आवश्यकताएं होने वाली है
एक प्रकार से 20 साल के बाद भी जो जरूरतें होगी उनको आज पूरे करने की दृष्टि से सीवर पानी के ट्रीटमेंट का व्यवस्था का भी एक प्लान का अभियान शुरू किया गया है। करीब 600 करोड़ रुपया के खर्च से ये ट्रीटमेंट प्लान आपके यहां लगने वाला है और उसके कारण आने वाले दिनों में लोगों को कितना लाभ होगा इसका मैं अंदाज कर सकता हूं। आपने देखा होगा काशी में जाएं तो तार लटकते थे, काशी को उन तार के झुंड से मुक्ति दिलाने का मैंने अभियान चलाया है और देश भर में ये अंडरग्राउंड तार डालने का काम शुरू, बनारस में भी वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। उसी प्रकार से अभी जब योगी जी ने इन्वेस्टमेंट समिट किया था उस समय मैंने घोषित किया था एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के कारण 20,000 करोड़ रुपए और करीब करीब 2.5 लाख लोगों के रोजगार इसकी संभावनाएं उसके अंदर पड़ी हुई है। उस काम को भी आगे बढ़ाने की दिशा में योगी जी की सरकार और भारत सरकार मिलकर के तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं योगी जी को इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के पहले उस देश में एमएसपी घोषित होता था लेकिन धान की खरीदी नहीं होती थी। मुझे खुशी है कि पहले की तुलना में धान की खरीदी योगी जी के प्रयासों के कारण 4 गुना बढ़ गई है। किसानों को उनकी पैदावार का पैसा मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, गन्ने के किसानों का भुगतान उस गति उसकी उसका क्वांटम ये भी 40% बढ़ोतरी हुई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास की इन योजनाओं का लाभ काशी के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे कृषि क्षेत्र का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे रेल मार्ग के गति बढ़ाने का काम हो, नई रेल लाइन चालू करने का काम हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट उसका आज शिलान्यास और लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। हमें सबने मिलकर के काशी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अनेकविध योजनाएं लेकर के राज्य सरकार और भारत सरकार काशी में पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। आने वाले दिनों में हम एक बहुत महत्वपूर्ण योजना देशवासियों के लिए लागू करने जा रहे हैं, आयुष्मान भारत। इस आयुष्मान भारत के तहत इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर के बीमा योजना की व्यवस्था करके गरीब से गरीब परिवार भी अगर उसके यहां कोई बीमार हो जाए तो एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है, आर्थिक स्थिति तबाह हो जाती है, परिवार के सारे सपने सारी योजनाएं तितर बितर हो जाती है। इसलिए गरीब बीमार हो तो झेल लेता है, अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं करता है, उसके लिए खर्च संभव नहीं होता है, गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं अपने पास। क्या मेरे देश के नागरिकों का ये हाल होगा? भाइयों बहनों, ये मुझे मंजूर नहीं है। और इसलिए हमने एक योजना बनाई है कि ऐसे गरीब परिवार होंगे जो उपचार के लिए संभावना नहीं है। देश में 10 करोड़ परिवार यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक अगर उनके परिवार में कोई बीमारी आई तो आयुष्मान भारत योजना के तहत एक साल में 5 लाख रुपए तक का अस्पताल का खर्चा भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के देगी। इसका परिणाम यह होगा कि गरीब जो पहले अस्पताल जाने से कतराता था
वो अब छोटी बीमारी होगी तो भी जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि पैसे मोदी सरकार देने वाली है। उसे विश्वास है कि बीमार रहना ठीक नहीं है, रोजी रोटी कमानी है तो मुझे पहले उपचार करवाना चाहिए, वो कराएगा। जो प्राइवेट पार्टी है, जो छोटे छोटे शहरों में अस्पताल खोलते नहीं है, बनाते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि लोग आएंगे नहीं, आएंगे तो पैसे देंगे नहीं, लेकिन अब पैसे मिलना संभव हो गया है तो लोग भी अपने प्राइवेट अस्पताल बनाएंगे। देश में अस्पतालों का एक जाल बनेगा, आरोग्य की दृष्टि से सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग तैयार होंगे, आरोग्य क्षेत्र में नए रोजगार पैदा होंगे और देश को स्वस्थ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा अहम काम हम कर पाएंगे। हमारे देश में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने पोषण मिशन की शुरुआत की है, करीब 9000 करोड़ रुपया लगा करके आने वाले वर्षों में हमारे बच्चे उम्र के हिसाब से उसका वजन हो, उम्र के हिसाब से उनकी ऊंचाई हो, तंदुरुस्त हो, माल न्यूट्रिशन की समस्या से मुक्त हो, इसके लिए आवश्यक पोषण की व्यवस्था कैसे हो, प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसे हो, खास करके माताओं की ट्रेनिंग कैसे हो, उन सारे विषयों का एक बीड़ा उठाया है और प्रधानमंत्री पोषण मिशन योजना पीएम करके हमने लाए हैं और आने वाले दिनों में ये पोषण मिशन योजना गरीब से गरीब परिवार हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, 12, 14, 16 साल की बेटियां हो, अगर 12, 14, 16 साल की बेटियां, उसका अगर तंदुरुस्त नहीं होगी, उसका शारीरिक विकास उम्र के हिसाब से नहीं होता होगा, अगर कुछ ही वर्षों में वो मां बनेगी तो कभी वो मां भी मर सकती है, पैदा होने वाला बच्चा भी मर सकता है, या तो पैदा होने वाला बच्चा किसी न किसी बीमारी को लेकर के पैदा हो सकता है और जिंदगी भर उस मां को उस बच्चे की सेवा करने में खप जाना पड़ता है। इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए ये प्रधानमंत्री पोषण मिशन योजना को लागू करने की दिशा में हम चल रहे हैं। काशीवासियों, विकास की इन सारी योजनाओं का लाभ हमारी काशी को मिले, हमारी गंगा से जुड़ी हुई सारी योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही है और उसका लाभ भी आने वाले दिनों में मिलने वाला है। मैं फिर एक बार योगी जी की सरकार को अनेकविध प्रकल्प तेज गति से चलाने के लिए, भारत सरकार की योजनाओं को भी तेज गति से लागू करने के लिए मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं और फिर एक बार आज काशीवासियों ने जो अद्भुत स्वागत सम्मान किया है इसके लिए सर झुका करके नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।